गोंडा से। हाँ गोंडा से जुड़े हैं। हाँ हेलो। हाँ सर, जी हाँ अमेठन। सर, प्रदीप जी नमस्कार। हाँ जी सर, प्रस्तुत करें जी। ओके जी, अच्छा, आवाज बिल्कुल आवाज भी आ रही है, आपकी पीपीटी भी दिख रही है। प्रेजेंट करें सर, स्वागत है आपका। ये तो सर मैं गोंडा से बोल रहा हूँ, मोहम्मद शरीफ। ये पीपीटी जो दिख रही है अंबेडकर नगर की है, अंबेडकर तो नगर। अम्बेडकर जी नगर का होने दीजिए। अम्बेडकर नगर से कौन जुड़ा जी हुआ है? जी बिल्कुल। अम्बेडकर नगर प्रस्तुत करें, उनकी पीपीटी दिख रही है। आवाज आपकी बहुत धीरे आ रही है मैम। आवाज बहुत धीरे आ रही है आपकी, बिल्कुल आवाज धीरे सुनाई दे रही है। बहुत तेज बोलिए और या तो फिर माइक में दिक्कत होगी। हाँ ठीक है, आप ठीक है मैम। ठीक है सर, ओके बहुत बहुत प्रस्तुत धन्यवाद सर आपको। जी। सभी को मेरा नमस्कार। मैं ऐश्वर्य राजलक्ष्मी, प्रवक्ता, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान अंबेडकर नगर। आज आपके सम्मुख नई शिक्षा नीति 2020 में पूर्व प्राथमिक शिक्षा, स्कूली शिक्षा तथा शिक्षक शिक्षा पर जो क्रियान्वयन योजना है उसको लेकर उपस्थित हुई हूँ। और सर, क्या स्लाइड से मेरी शो हो रही है? जी, शिक्षा व्यवस्था की प्रणालियों को सुदृढ़ तथा सुचारू रूप से चलाने के लिए समय समय पर शिक्षा नीति अलग होती है। इसी के क्रम में सबसे पहले शिक्षा नीति 1968 में डॉक्टर डीएस कोठारी के नेतृत्व में आई, जिसमें शिक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण पहलुओं को शामिल किया गया। दूसरी शिक्षा नीति 1986 में आई, जिसमें 1992 में कुछ संशोधन करके इसे पुनः लागू किया गया। तथा अब जो नई शिक्षा नीति आई है 2020 में, ये डॉक्टर के कस्तूरी रंजन जी की अध्यक्षता में बनाई गई है, जो अब तक की सबसे विस्तृत तथा व्यापक शिक्षा नीति। पूर्व प्राथमिक शिक्षा तथा स्कूली शिक्षा के संदर्भ में मैं कुछ कहना चाह रही हूँ। जैसे नई शिक्षा नीति 2020 में स्कूली शिक्षा प्रणाली के पैटर्न में 10+2 से 5+3+3+4 कर दिया गया है, जिसे हम निम्न प्रकार से समझ सकते हैं कि जैसे पहले जो बच्चा रहता था वो स्कूल में कुल 12 वर्ष बिताता था, अब 12 वर्ष की बजाय बच्चा स्कूल में 15 वर्ष बिताएगा। 10+2 सिस्टम में बच्चा 6 वर्ष की अवस्था में विद्यालय में प्रवेश करता था, जबकि नई शिक्षा नीति में जो सिस्टम लागू किया गया है, इसमें बच्चे का प्रवेश 3 वर्ष की आयु में ही विद्यालय प्रवेश में हो जाएगा। पूरी की पूरी स्कूली शिक्षा को 4 फेज में बांटा गया है, जिसमें पहली फेज जो है वो फाउंडेशनल स्टेज है, फाउंडेशन स्टेज है जो बुनियादी अवस्था है, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल व शिक्षा के अंतर्गत, इसमें 3 से 6 वर्ष की आयु तक के बच्चों को शामिल किया जाएगा। 3 से 6 वर्ष की आयु तक बच्चे पूर्व प्राथमिक स्कूलों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से खेल आधारित बहुत स्तरीय शिक्षण के माध्यम से उच्च गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्राप्त कर सकते। प्रत्येक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा के पाठ्यक्रम व शैक्षणिक रूपरेखा के अनुसार बेहतरीन शैक्षणिक सामग्रियों से लैस किया जाएगा। दूसरी अवस्था हमारी प्राथमिक शिक्षा है, जो प्रिपरेटरी स्टेज है। यह बच्चों की शिक्षा का 3 वर्षीय प्लान है। इसमें क्लास 3rd से 5th तक के बच्चों को शामिल किया जाएगा। इसमें कुछ हल्के फुल्के पाठ्य पुस्तक आधारित शिक्षण को शामिल किया जाएगा और इस प्रकार ज्यादा औपचारिक लेकिन संवादात्मक कक्षा शैली के जरिए अध्ययन अध्यापन की ओर बढ़ेगी, जिसमें पढ़ने लिखने, बोलने, शारीरिक शिक्षा, कला, भाषा, विज्ञान व गणित भी शामिल होंगे। तीसरी स्टेज हमारी मिडिल स्टेज है, जो माध्यमिक अवस्था है। इसमें क्लास 6 से 8 तक के बच्चों को शामिल किया जाएगा तथा बच्चे को किसी भी एक भारतीय भाषा जैसे उर्दू, संस्कृत, मैथिली आदि का ज्ञान कराया जाएगा। बच्चे को कंप्यूटर शिक्षा के अंतर्गत कोडिंग तथा डी कोडिंग का ज्ञान कराया जाएगा। मिडिल स्टेज पर ही बच्चे को किसी एक वोकेशनल कोर्स जैसे सिलाई, पेंटिंग, शिल्पकला आदि में पारंगत किया जाएगा। हमारे लास्ट स्टेज सेकेंडरी स्टेज है, जो उच्च अवस्था है। इसमें क्लास 9 से 12 तक के बच्चों को शामिल किया जाएगा। सेकेंडरी स्टेज के अंतर्गत कोई भी स्ट्रीम साइंस या फिर आर्ट नहीं होगी। अब कोई भी बच्चा किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ सकता है। बच्चे को किसी एक विदेशी भाषा का ज्ञान कराया जाएगा। बच्चे में क्रिटिकल थिंकिंग तथा साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करने
किया जाएगा, जिससे बच्चे के अंदर जो रटने की प्रवृत्ति है उसको कम किया जा सकता है। 2025 तक 5वीं कक्षा मैं 5वीं कक्षा एवं उसके ऊपर की सभी विद्यार्थी बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान अर्जित कर सके। पता चलता है कि वर्तमान शैक्षिक प्रणाली में एक बार जब छात्र मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान में पिछड़ जाते हैं तो वे वर्षों तक उसी स्तर पर बने रहते हैं। कई सक्षम छात्रों ने खुद को इस दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में पाया है, वे इससे उभरने में बहुत ही असमर्थ होते हैं। कई छात्रों के लिए यह स्कूल में उपस्थित नहीं होने या पूरी तरह से छोड़ने के लिए एक प्रमुख कारण बन गया है। शिक्षकों को इस समस्या की व्यापकता के कारण अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है। उन्हें किसी कक्षा के अनिवार्य पाठ्यक्रम को पूरा कराने में सर आप अपना फोन अनम्यूट कर लीजिए, इस कारण बड़ी संख्या में छात्र पीछे छूट गए हैं। सभी बच्चों के लिए मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान की को बनाए रखना तत्काल रूप से एक राष्ट्रीय अभियान बनना चाहिए तथा इसे हर संभव सहायता और प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। बच्चों में पढ़ने की आदत के विकास के लिए पुस्तकालय की स्थापना की जानी चाहिए। ड्रॉप आउट बच्चों के लिए है कि ड्रॉप आउट बच्चों को भी शिक्षा से पुनः जोड़ा जाएगा, क्योंकि इसके लिए स्कूली शिक्षा प्रणाली का एक प्रमुख लक्ष्य है कि बच्चे स्कूल में नामांकित तो है लेकिन नियमित रूप से स्कूल नहीं आते। सर्व शिक्षा अभियान तथा आरटी एक्ट जैसे प्रयासों से हाल के वर्षों में भारत ने प्राथमिक शिक्षा में 100% नामांकन हासिल करने की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति की है। यू डायस आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2016-17 में कक्षा 1 से लेकर 5 तक के सकल नामांकन अनुपात 95.1% था, लेकिन आगे की कक्षाओं में सकल नामांकन अनुपात में लगातार गिरावट ही दर्ज हुई है। इससे यह स्पष्ट होता है कि नामांकित विद्यार्थियों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा कक्षा 5 के बाद विशेष रूप से कक्षा 8 के बाद स्कूल छोड़ देते हैं। इन बच्चों को जल्द से जल्द शिक्षा से जोड़ना और नामांकित बच्चों को ड्रॉप आउट होने से रोकना देश की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। शिक्षक शिक्षा के बारे में, शिक्षक वास्तव में एक कुम्हार की वाटी है जो बच्चों को जिस आकार में चाहे ढाल सकता है। अतः शिक्षक शिक्षा एक प्रगतिशील न्यायी शिक्षक और शिक्षित और संपन्न समाज की ओर अग्रसर करने के लिए एक आवश्यक माध्यम है। अतः शिक्षकों की भर्ती शिक्षा की गुणवत्ता एवं योग्यता के आधार पर हो, प्रशिक्षण प्रोग्राम तैयार किए जाएं जिससे शिक्षक नवाचार का प्रयोग करके अपनी शैक्षिक क्रिया को कुशलता से कर सके। शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों से छूट प्रदान की जाए जिससे कि विद्यालय में शैक्षिक गतिविधियों को सुचारू रूप से संचालित किया जा सके। प्राथमिक विद्यालय जैसे पहले से ही सुदृढ़ व्यवस्था में नहीं है, सर्वप्रथम उन्हें हमें सुदृढ़ करना होगा, उसके बाद ही अध्यापकों को के आवास के बारे में हमें सोचना होगा, क्योंकि जिन अध्यापकों के विद्यालय और घर की दूरी अधिक है उनको विद्यालय आवागमन में अधिक परेशानी का सामना करना पड़ता है। शिक्षकों के तबादलों पर तुरंत रोक लगने से शिक्षा व्यवस्था में आने वाले व्यवधान को समाप्त किया जा सकेगा, क्योंकि लगातार तबादले होते रहने से शिक्षक छात्र अनुपात पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। वर्ष 2022 तक पैरा टीचर्स प्रैक्टिस को समाप्त किया जाएगा जिससे बच्चों की शिक्षा में स्थायित्व प्रदान किया जा सकेगा। उच्च शिक्षा शिक्षा के अंतर्गत इसके तहत तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत उच्च शिक्षण संस्थानों को बहुविषयक तथा उच्च शिक्षा शोध का केंद्र बनाया जाएगा। उच्च शिक्षण संस्थानों में सकल नामांकन अनुपात को 26.3% से बढ़ाकर 50% तक करने का लक्ष्य रखा गया है। एनईटी 2020 के तहत स्नातक पाठ्यक्रम में भी महत्वपूर्ण सुधार किया गया है। इसके तहत अब कोई भी स्ट्रीम नहीं होगी जैसे बीए एमए बीकॉम तथा बीएससी एमएससी एमकॉम के नाम को समाप्त करके केवल स्नातक या फिर बड़ा स्नातक की डिग्री प्रदान की जाएगी। अर्थात इस नई व्यवस्था के अंतर्गत अब कोई भी किसी भी वांछित या पसंदीदा विषय को पढ़ सकता है। 5 वर्ष का एकीकृत स्नातक या फिर स्नातकोत्तर कार्यक्रम निर्धारित किया जाएगा।
अर्थात 4 वर्ष का स्नातक करने वाले को अब केवल 1 वर्ष का परास्नातक तथा करना होगा, जबकि 3 वर्ष का स्नातक करने वाले को 2 वर्ष का स्नातकोत्तर करना होगा। एनईपी 2020 में एमफिल प्रोग्राम को समाप्त कर दिया गया। इसके साथ ही आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस वेबिनार में सक्रिय रूप से जुड़े रहने के लिए। थैंक यू। थैंक यू मैम। नेक्स्ट प्रेजेंटेशन गोंडा डाइट गोंडा। डाइट गोंडा सुन पा रहे हैं आप हमें? डाइट गोंडा आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही, प्रेजेंट है आप? हेलो यस मैम। हेलो हाँ मैम आवाज आई? हाँ अब आपकी आवाज आई है। अच्छा, आप अपना प्रेजेंटेशन शुरू कीजिए। यस हेलो। हेलो जी मैम आवाज आ रही है? हाँ हाँ सुनाई दे रहा, आवाज आ रही है। प्लीज स्टार्ट विद योर प्रेजेंटेशन। हाँ स्टार्ट। थैंक यू मैम। मैं मोहम्मद शरीफ, प्रवक्ता रसायन विज्ञान, डाइट दर्जी कुमार गोंडा। आज दिनांक 27 अक्टूबर 2020 को SCERT लखनऊ द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर संचालित वेबिनार में जुड़े सभी श्रोताओं को डाइट गोंडा की तरफ से मैं सभी को सलाम पेश करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और साथ ही साथ सभी का इस्तकबाल करता हूँ, अर्थात स्वागत, वंदन व अभिनंदन करता हूँ। मैं डाइट गोंडा की तरफ से अपने स्कूल महानिदेशक सर का, निदेशक सर का, संयुक्त निदेशक सर का एवं अपने डाइट प्राचार्य जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। हम सभी को NEP 2020 पर अपने विचार रखने के लिए सर मंच दिया है। हेलो, एक अवसर प्रदान किया है। सर हमें सुन पा रहे हैं सर? हेलो जी मैम। जी मैम। हाँ 10 मिनट का टाइम है, आप प्रेजेंटेशन शुरू करिए। हाँ 10 मिनट में ही खत्म कर लीजिए प्लीज। जी मैम। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का एक संक्षिप्त परिचय देना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति है क्या। राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 शिक्षा व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने का एक लिखित दस्तावेज है। इसमें सभी के लिए अर्थात शिक्षक, शिक्षा अधिकारी तथा शिक्षा से जुड़े सभी व्यक्तियों के लिए उनके कार्यों की समीक्षा, विश्लेषण आज के बारे में नियम निहित है। हमारा आज का जो टॉपिक है NEP 2020 में कुल 27 अध्याय हैं, जिसमें से हमने 8वें अध्याय का चयन किया है, स्कूल शिक्षा के लिए मानक निर्धारण और प्रमाणन। NEP 2020 के अनुसार स्कूली शिक्षा अर्थात कक्षा 1 से 12 के मानक निर्धारण और मान्यता के लिए एक स्कूली शिक्षा नियामक प्रणाली बनाई जाएगी। इस प्रणाली का लक्ष्य शैक्षिक परिणामों में लगातार सुधार करना होगा। शैक्षिक परिणामों में सुधार के महत्वपूर्ण बिंदु निम्नवत हैं, जैसे मानकानुसार स्कूलों की अधिकाधिक मान्यता देना, शैक्षिक नवाचारों को बढ़ावा देना, शिक्षकों, प्रधानाचार्यों और विद्यार्थियों के उत्साह और हिम्मत को बढ़ावा देना, पूर्ण पारदर्शिता के साथ विद्यालयी परिणामों को सार्वजनिक करना। नेक्स्ट है NEP 2020 के अनुसार स्कूल शिक्षा विभाग डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली के लिए निरंतर सुधार के लिए समग्र निगरानी और नीति निर्धारण के लिए जिम्मेदार होगा। संपूर्ण राज्य के सार्वजनिक विद्यालय के सेवा प्रावधान, सर्विस मटेरियल और सर्विस मैटर और शैक्षिक संचालन की जिम्मेदारी स्कूल शिक्षा निदेशालय की होगी, जिसमें डीईओ, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, ब्लॉक
कम्युनिकेशन ऑफिसर बीईओ एआरपी डाइट मेंटर डाइट प्राचार आदि की होगी। एनईपी 2020 आगे कहता है यह सुनिश्चित करने के लिए सभी स्कूल कुछ न्यूनतम व्यावसायिक और गुणवत्तापूर्ण मानकों का पालन करते हैं। इसके लिए राज्य और केंद्र शासित प्रदेश राज्य विद्यालय मानक प्राधिकरण स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड अथॉरिटी अर्थात ट्रिपल एस ए नामक एक स्वतंत्र राज्य व्यापी निकाय की स्थापना करेंगे। ट्रिपल एस ए के कार्य बुनियादी मानकों जैसे बचाव सुरक्षा आधारभूत ढांचा कक्षाओं और विषयों के आधार पर शिक्षकों की संख्या निर्धारित करना। दूसरा है वित्तीय ईमानदारी और शासन की उपयुक्त प्रक्रिया को सार्वजनिक पटल पर प्रदर्शित करना। ये ट्रिपल एस ए के कारण है। नेक्स्ट है सभी स्कूलों द्वारा अपडेट की गई जानकारी या सुविधाओं को ट्रिपल एस ए की वेबसाइट पर मुहैया करना। किसी व्यक्ति द्वारा की गई शिकायत को हल करना। कुछ चयनित छात्रों से ऑनलाइन फीडबैक लेना। नेक्स्ट है रोल ऑफ एस सी आर टी एंड एन सी आर टी इन द व्यू ऑफ एनईपी 2020। राज्यों में अकादमिक मानकों और पाठ्यक्रमों सहित शैक्षणिक मामले एस सी आर टी के नेतृत्व में होंगे। जो भी एकेडमिक प्रोसेस होगी या जो है करिकुलम होगा वो सभी एस सी आर टी के नेतृत्व में होंगे। इसके लिए सभी राज्यों के एस सी आर टी एन सी आर टी के साथ शैक्षिक परामर्श और सहयोग के लिए अनवरत रूप से जुड़े रहेंगे। एससीईआरटी नैक एन डबल ए सी है लेकिन यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो गया है कि तर्ज पर स्कूल क्वालिटी असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन फ्रेमवर्क तैयार करेगा। परिवर्तन प्रबंधन प्रक्रिया के तहत एससीईआरटी सीआरसी बीआरसी और डाइट जैसे संस्थानों को पुनर्जीवित करेगा। सिक्स्थ पॉइंट है एनईपी 2020 के तहत सार्वजनिक और निजी स्कूलों का मूल्यांकन और प्रमाणन समान मापदंड बेंचमार्कों और प्रक्रियाओं के आधार पर किया जाएगा जिससे निजी स्कूलों को भी प्रोत्साहित किया जा सके और किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो। स्कूल की वेबसाइट और ट्रिपल एस ए की वेबसाइट पर सार्वजनिक और निजी दोनों स्कूलों की सूचनाओं को सार्वजनिक किया जाएगा जिसमें कम से कम कक्षाओं छात्रों और शिक्षकों की संख्या की जानकारी पढ़ाए जाने वाले विषय कोई शुल्क और नेशनल अचीवमेंट सर्वे जैसे मानकीकृत मूल्यांकन के आधार पर विद्यार्थियों के समग्र परिणाम शामिल किए जाएंगे। लास्ट है प्रदर्शन आकलन समीक्षा और ज्ञान के विश्लेषण के लिए परख। समय समय पर समग्र प्रणाली की नियमित रूप से जांच पड़ताल के लिए एक नए मूल्यांकन केंद्र जिसका नाम है परख की स्थापना की जाएगी। परख राष्ट्रीय मूल्यांकन सर्वेक्षण नैस की जगह लेगा। परख सरकारी के साथ साथ निजी स्कूलों के छात्रों का भी डेटा विश्लेषण और मूल्यांकन में सहायता करेगा। अंत में हम यही कहना चाहेंगे कि शिक्षा के प्रचार प्रसार एवं क्रियान्वयन में टीम वर्क की आवश्यकता होती है। अतः हम सभी को चाहे वह शिक्षक हो प्रशिक्षक हो या शिक्षा अधिकारी हो सभी को टीम भावना के साथ कार्य करने की जरूरत है। और अंत में मैं दो लाइनों के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूँ कि हे शिक्षक हे शिक्षा के हित धारक नित्य नए नूतन नवीन नव पर प्रासंगिक प्रयोग करो। आ गई अब 21वीं सदी की नई शिक्षा नीति इसका तुम उपयोग करो। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। थैंक यू मैम। जहां तक मैंने ज्यादा टाइम नहीं लिया होगा। हाँ थैंक यू सर आपने कम टाइम में ही खत्म कर दिया अपना प्रेजेंटेशन। हाँ टाइम लिमिट दे दिया गया था इसलिए हम ज्यादा कुछ समझा नहीं पाए। जी सर थैंक यू सर थैंक यू। नेक्स्ट प्रेजेंटेशन डायट बलरामपुर डायट बलराम स्कूल से प्रेजेंट है। गुड मॉर्निंग मैम। हेलो हेलो डायट बलरामपुर सुन पा रहे हैं आप हमें? हेलो हेलो हाँ जी हाँ जी 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 सुन पा रहे हैं जी। हेलो हाँ शुरू करिए।
गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं डॉक्टर त्रिपुरारी पूजन राय बलरामपुर से, मैं नई शिक्षा नीति के इम्प्लीमेंटेशन प्लान को प्रेजेंट करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। मैं सबसे पहले धन्यवाद देता हूँ अपने प्राचार्य जी को, जो मुझे इस काबिल समझा कि इम्प्लीमेंटेशन प्लान को मैं SCERT के पैनल पर प्रेजेंट कर सकूं। प्लान जो NEP का है, 5+3+3+4 का सिस्टम जो है, उसको कैसे इम्प्लीमेंटेशन करना है फील्ड लेवल पर, इसके लिए SCERT को ACC मॉडल 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए एक ऐसा शैक्षणिक ढांचा विकसित किया जाना चाहिए जिसमें कला कहानी कविता खेल आधारित गतिविधि को इंक्लूड किया जाए। आंगनबाड़ी केंद्रों को सशक्त बनाया जाए, जितने भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हैं उनकी स्पेशल ट्रेनिंग हो, चाहे वो ट्रेनिंग BRC पे हो चाहे ऑनलाइन कराई जाए, उनकी ट्रेनिंग स्मार्ट होनी चाहिए। मैडम आवाज आ जी? हेलो, आपकी आवाज आ रही है? हेलो, नहीं आ रही है आवाज, उनकी नहीं आ रही। हाँ, हमारी तो जान है। हेलो, इनका नेटवर्क कनेक्शन प्रॉब्लम हो रही है ना। PPT नहीं शो हो रही है मैडम। हेलो, PPT शो नहीं हो रही आपकी? टेक्निकल प्रॉब्लम कोई आपकी तरफ से हो रही है? हेलो, सुन पा रहे हैं आप? हेलो त्रिपाठी जी, सुन पा रहे हैं आप हमें? हेलो, हेलो, आवाज आ रही है? हाँ हाँ, आपकी आवाज आई है। हेलो त्रिपुरारी जी, जी मैडम, सुन पा रहे हैं आप? हाँ, आपकी आवाज आ रही है, प्लीज शुरू करिए। तो जो आंगनबाड़ी केंद्र है उनको सशक्त बनाया जाना चाहिए। कैसे सशक्त बनेगा? उसके लिए जो प्रौद्योगिकी है उसका इस्तेमाल किया जाए। जैसे आंगनबाड़ी केंद्र है उनके लिए बच्चे छोटे हैं तो उनका ठहराव कैसे सुनिश्चित किया जाए, अगर उनको एक रोचक विधि से पढ़ाया जाएगा तो वो जाहिर सी बात है वो वहां रहेंगे और कुछ सीखेंगे। इसके लिए हमें टेक्नोलॉजी का जो है सहारा लेना पड़ेगा। और क्या हमारी मेरी स्लाइड प्रेजेंट हो रही है? नहीं नहीं सर, नहीं दिख रही। नहीं दिख रही है? नहीं, स्लाइड नहीं दिखाई। स्लाइड शेयर किए हैं, नेटवर्क प्रॉब्लम होगी सर, हो सकता है इसलिए प्रेजेंट नहीं हो पा रही हो। वैसे हम हमारे लिए दिख रहा है। ठीक सर, आप अपनी बात कहें, PPT शेयर कर दीजिएगा, मेल कर दीजिएगा, साझा कर दीजिएगा, ठीक है? ओके सर, शेयर कर रहे हैं, बट पता नहीं शेयर अब आ रही है कि नहीं सर। ठीक सर, आपने बात कहे सर, मेरे लिए क्या है ना कि उसी चीज त्रिपुरा जी, आप अपनी बात रखें। जी तो जी 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 सर, जी जी। तो मेनली क्या है कि जो इम्प्लीमेंटेशन प्लान हमें ऐसा डिजाइन किया जाना चाहिए, ऐसी शिक्षा पद्धति का विकास किया जाना चाहिए जिससे बच्चों का ठहराव सुनिश्चित हो और अभिभावक जो गार्जियन है हमारे उनका सरकारी संस्थानों पर फिर से विश्वास जगे। शिक्षा में नैतिकता, खेलकूद, सांस्कृतिक विरासत को महत्व देते हुए
पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए। कक्षा 5 तक की, जैसे एनपी में कहा गया है, कक्षा 5 तक की शिक्षा मातृभाषा में दी जाए, जिससे बच्चे आसानी से सीख सके। ऐसी विधा का इजाद किया जाए जिससे बच्चों का ठहराव सुनिश्चित किया जाए और छात्र एवं शिक्षक अनुपात जो है वो कंप्लीट किया जाए, जो 30:1 का रेशियो है उसको कंप्लीट किया जाए। एससीईआरटी द्वारा ऑनलाइन या ऑफलाइन शिक्षा प्रोग्राम चलाए जाए जिससे कि गुणवत्ता और बढ़ाई जाए। नए विचार व शिक्षण विधियों में आधुनिकता को सम्मिलित किया जाए। कक्षा 1 से 12 तक के डायट मेंटर्स के रोल को व्यापकता प्रदान की जाए जिससे वो क्लास 1 से लेकर के क्लास 12 तक या प्री प्राइमरी से लेकर के आंगनबाड़ी से लेकर के मेंटरिंग कर सके और शिक्षा की गुणवत्ता पर बल दिया जा सके, शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि किया जा सके। और समग्र शिक्षा के तहत डायट में अगर हो सके तो डीएलएड की कक्षाओं के साथ बीएड की भी कक्षाएं संचालित किया जाए। शिक्षक अगर प्रभावशाली ढंग से कार्य करे तो वो ऐसे शिक्षकों को पुरस्कृत भी किया जाए जिससे उनका मोटिवेशन हो। सिर्फ नाम के लिए पुरस्कृत हो जाना ये ना हो कि जो है कैसे भी पुरस्कृत हो गए और उसका कोई रोल ना हो टीचिंग में, तो ऐसे क्या होता है जो शिक्षक अच्छा कार्य कर रहे हैं वो डीमोटिवेट होते हैं कि हम इतना अच्छा कार्य करें, हम तो नहीं, हमें पुरस्कार नहीं मिला। शिक्षक का जो चयन हो उसमें पारदर्शिता पूरी तरह से बरती जाए और योग्यता के आधार पर शिक्षकों की वर्टिकल मोबिलिटी भी सर्वश्रेष्ठ होगी। उत्कृष्ट शिक्षक जिन्होंने लीडरशिप और मैनेजमेंट के कौशलों को दर्शाया होगा उनको समय समय पर प्रशिक्षित किया जाए जो आगे चलकर रियासी सियासी डायट के साथ संबंधित विभाग का नेतृत्व कर सकेंगे। शिक्षकों का समय समय पर क्षमता संवर्धन, जैसे वो होता है बीच बीच में क्षमता संवर्धन प्रोग्राम चलाया जाए जिससे कि टीचर जो है वो अपडेट अपने आप को अपडेट करे और नई नई विधाओं को जान सके और नई नई विधाओं को अपने आप से जोड़कर और उसका इम्प्लीमेंटेशन अपने शिक्षा क्षेत्र में कर सके। मुख्य रूप से विषय विशेषज्ञ शिक्षक जैसे भाषा गणित विज्ञान पर्यावरण द्वारा शिक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक प्रभावशाली शिक्षण विधियों को अपनाया जाना चाहिए जिससे बच्चों में सक्रिय व सकारात्मक सोच को विकसित और बच्चे आनंद पूर्वक उस ज्ञान को अपने अंदर ग्रहण कर सके। इसी शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू और इसके लिए क्षमा भी चाहूंगा कि स्लाइड का प्रेजेंटेशन नहीं हो पाया क्योंकि नेटवर्क की उतनी स्ट्रांग व्यवस्था नहीं हो पाई है तो वो नहीं हो पा रहा है, नहीं हो पा रही है स्लाइड में। थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद सर। डायट बहराइच जी, सर सभी को नमस्कार। जी सर स्वागत है, मेरी आवाज आ रही है क्या? जी जी सर आ रही है। जी 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 सभी को नमस्ते, मैं गुलशन डायट बहराइच से, मैं प्रेजेंटेशन देखिएगा अगर हो रहा हो तो बता दीजिए। यार किसी मोटर सर क्या स्लाइड दिख रही है मेरी? जी जी सर दिख रहे। सभी को एक बार फिर से नमस्कार, मैं गुलशन प्रवक्ता समाज का जिन शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान बयानपुर बहराइच से और आज की इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन के लिए पीपीटी के माध्यम से आप सभी के सम्मुख प्रस्तुत।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति जैसे कि किसी भी देश की शिक्षा नीति राष्ट्र की मूलभूत आवश्यकता होती है, जिसमें अतीत का विश्लेषण और वर्तमान की आवश्यकता तथा भविष्य की संभावनाएं निहित होती है। हाल ही में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दी, जो कि पुरानी शिक्षा नीति एक तरह से अगर हम देखें तो जो 1986 की थी उसको प्रतिस्थापित कर देगी। अंतिम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में बनाई गई थी, जो 1992 में संशोधन हुआ और नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में लागू की गई, जिसके तहत 2030 तक सकल नामांकन अनुपात जो है उसको 100% लाने का लक्ष्य रखा गया है। नई शिक्षा नीति की घोषणा के साथ ही मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम भी परिवर्तित कर दिया गया और इसका नाम भी शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। और ये जो वर्तमान में नई शिक्षा नीति है, ये इसकी अध्यक्षता, इस समिति की अध्यक्षता अंतरिक्ष वैज्ञानिक के कस्तूरी रंगन जी ने की थी। स्कूली शिक्षा संबंधी कुछ प्रावधान किए गए हैं इसमें। नई शिक्षा नीति में 5+3+3+4 का डिजाइन प्रस्तुत किया गया है, जो कि 3 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों को शामिल करता है। पहला स्टेज जो है वो 5 साल का है, फाउंडेशनल स्टेज, इसमें 3 साल प्री प्राइमरी और ग्रेड 1 और ग्रेड 2। दूसरा है प्रिपरेटरी स्टेज में, दूसरा 3 वर्ष का है क्लास प्रिपरेटरी स्टेज में, और उसके बाद भी 3 वर्ष का है क्लास 6, 7, 8 का, और उसके बाद फिर 4 वर्ष का स्टैंडर्ड जो है वो 9, 10, 11 और 12 का है। प्रारंभिक शिक्षा की हम बात करें तो उसमें 3 वर्ष से 8 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शैक्षिक पाठ्यक्रम को 2 समूहों में विभाजित किया गया है, जिसमें 3 वर्ष से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए आंगनबाड़ी, बाल वाटिका, प्ले स्कूल के माध्यम से मुफ्त, सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा की उपलब्धता को सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा गया है। 6 वर्ष से 8 वर्ष तक के बच्चों के लिए प्राथमिक विद्यालय में कक्षा 1 और 2 की शिक्षा प्रदान की जाएगी, इसका जिक्र किया गया है। प्रारंभिक शिक्षा को बहुस्तरीय खेल और गतिविधि आधारित बनाने की को प्राथमिकता दी गई और 8 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यचर्या और शैक्षणिक ढांचे का निर्माण NCERT द्वारा किया जाएगा। स्कूलों में पाठ्यक्रम और शिक्षण शास्त्र की यदि हम बात करें तो कक्षा इस नीति के तहत जो सुधार है उसमें कला, विज्ञान, व्यावसायिक और शैक्षणिक विषयों एवं पाठ्यक्रम व पाठ्येतर गतिविधियां जो होती हैं उसके बीच बहुत ही कम अंतर, यानी ना के बराबर अंतर रहेगा। सारी गतिविधियां उसके पाठ्यक्रम की ही गतिविधियां मानी जाएगी। कक्षा 6 से ही शैक्षणिक पाठ्यक्रम में व्यावसायिक शिक्षा को भी शामिल कर दिया जाएगा और इसमें इंटर्नशिप की भी व्यवस्था की जाएगी। विद्यालयों में सभी स्तरों पर छात्रों को बागवानी, नियमित रूप से खेल कूद, योग, नृत्य, मार्शल आर्ट को स्थानीय प्रवृत्ति के अनुसार प्रदान करने की कोशिश की जाएगी। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा तैयार की जाएगी। डाइट का रोल अगर हम बात करें तो डाइट का रोल यहाँ पर हमारे यहाँ प्री जॉब ट्रेनिंग और इन जॉब ट्रेनिंग भी होती है, तो ट्रेनिंग में भी हम नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन की यदि हम बात कर रहे हैं तो ट्रेनिंग्स के माध्यम से हमें अपने शिक्षकों को इस प्रकार से तैयार करना होगा और हमारे यहाँ जो भी इन जॉब ट्रेनिंग में टीचर्स रहेंगे उनको भी इस तरह से ट्रेनिंग देनी होगी आने वाले समय में डाइट के माध्यम से, कि वो इस तरह के पाठ्यक्रम को अपने यहाँ लागू कर पाए स्कूल में। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें तो फील्ड विजिट के दौरान भी डाइट मेंटर्स जब भी उनको समर्थन प्रदान, समर्थन शैक्षिक अनुसमर्थन प्रदान करने के लिए जाते हैं तो सपोर्टिव सुपरविजन के दौरान भी इन सारी चीजों को बेहतर तरीके से ध्यान रखें, जिससे कि नई शिक्षा नीति का क्रियान्वयन भी सुनिश्चित किया जा सके। शिक्षक शिक्षा की हम बात करते हैं क्योंकि हम भी शिक्षक शिक्षा से जुड़े हुए हैं, तो विषय विशेषज्ञ की उपलब्धता जो कि अभी आज के समय में लगभग डाइट्स पर है, बेहतर मेंटरिंग प्री जॉब के लिए भी और इन जॉब के लिए भी, जब भी विद्यालय में विजिट के लिए जाए तो बहुत बेहतर तरीके से मध्यस्थता और मेंटरिंग करनी चाहिए, चीजों को किस प्रकार से इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए उस पर भी डाइट मेंटर होने के नाते ध्यान देने की आवश्यकता है। सामुदायिक सेवा, व्यावसायिक शिक्षा और सहभागिता के साथ साथ शिक्षण कार्य होना चाहिए कि किस प्रकार से समुदाय में बहुत सारी चीजों को लेते हुए शिक्षा भी प्रदान करनी है, और शिक्षा जो कि सीखने सिखाने का एक क्रम है,
डाइट में शिक्षक शिक्षा का जो भी कार्यक्रम चलता है उसके तहत ध्यान रखने की आवश्यकता है। शिक्षकों के बहुविषयीय शिक्षा एवं अवधारणात्मक विकास को मजबूती देने की बात कही गई है तो बहुविषयी में भाषा, गणित, समाजशास्त्र, शारीरिक शिक्षा इस तरह के बहुत सारे विषयों को शामिल करने की बात कही गई। शिक्षा और वो सारी की चीजें डीएलएड के भी सिलेबस में हम देखें तो है, इसका क्रियान्वयन डाइट स्तर पर किया भी जाता रहा है और आने वाले समय में भी जैसा भी गाइडलाइन मिलती रहेगी उसके अकॉर्डिंगली इम्प्लीमेंटेशन भी किया जाता है। शिक्षकों के लिए सेवारत सतत व्यवसायिक विकास का प्रशिक्षण, मौजूदा जो संस्थागत व्यवस्थाएं हैं वो तो जारी रहेंगी ही रहेंगी और उसके साथ साथ ही नई दिशा से दीक्षा पोर्टल जैसे है, दीक्षा के माध्यम से बहुत सारी ट्रेनिंग्स दी जा रही है दीक्षा प्लेटफॉर्म के माध्यम से, ऑनलाइन का जो नया अभी कोविड के दौर में नई विधा एक हम लोगों ने सीखी है कार्य करने की, उसको भी प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है और उसके लिए डाइट स्तर से भी इन कार्यों को किया जाना जरूरी है कि जनपद में हम ऑनलाइन प्रशिक्षण को कैसे बेहतर तरीके से पहुंचा पाएंगे। ऑनलाइन एक बहुत ही सशक्त और बहुत ही इजी माध्यम है ज्यादा लोगों तक एक समय में पहुंचने का, तो इसको भी प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है। और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा एनसीईआरटी के परामर्श के आधार पर अध्यापक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यचर्या के रूप का जो एनसीईआरटी का विकास किया जाएगा उसमें जो भी गाइडलाइन है कि उसके अकॉर्डिंगली टाइट स्तर से भी इम्प्लीमेंटेशन किए जाएंगे। क्षमता मूलक एवं समावेशी शिक्षा की बात कही गई और इस पर बहुत ही फोकस भी किया जा रहा है कि सभी को समान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के अवसर प्राप्त हो, चाहे वो दिव्यांग हो, चाहे वो सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समूह हो, इनकी पहचान की जाए और इनको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के समान अवसर भी प्रदान किए जाए। डाइट में चूंकि शोध का कार्य भी होता है तो विभिन्न शोधों के माध्यम से भी जनपद में जो समस्याएं हैं उससे उच्च अधिकारियों को अवगत कराते हुए भी जनपद में इम्प्लीमेंटेशन का कार्य बेहतर तरीके से किया जा सकता है, जैसा कि नई शिक्षा नीति में भी जिक्र किया गया है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों से संबंधित प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षकों की नियुक्ति के लिए भी विभाग को विभाग की जिम्मेदारी में आते हैं, तो जब भी उनकी नियुक्ति होती है उसके बाद किस प्रकार से डाइट को उनको समय समय पर प्रशिक्षण देने की बात है और किस तरह से उनको अपग्रेड किया जाए ये डाइट के कार्य में आएंगे। सभी छात्रों की आवश्यकताओं और जो उनकी समानता है, उनका सम्मान है, उनकी प्रतिष्ठा है, इसके प्रति भी संवेदनशील बनाने की आवश्यकता है। स्कूल कॉम्प्लेक्स और क्लस्टर के माध्यम से कुशल संसाधन एवं प्रभावी गवर्नेंस। शिक्षक संकुल का कॉन्सेप्ट पिछले एक वर्षों से प्रदेश में चल भी रहा है और हर जनपद में शिक्षक संकुल बनाए गए हैं, तो उसका ही थोड़ा सा ब्रॉड कॉन्सेप्ट अगर हम देखें तो नई शिक्षा नीति में जिक्र किया गया है। उनका भी उद्देश्य उसी तरह से है कि संसाधन जो है उस क्लस्टर में, पहली बात तो नई शिक्षा नीति में 5 से 10 किलोमीटर के बीच में एक समूह संरचना की बात कही गई जो कि जिसमें एक माध्यमिक स्कूल भी होगा और उसके क्षेत्र में आने वाले प्राइमरी, उच्च प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और आंगनवाड़ी भी शामिल किए जाएंगे, तो वो अपने संसाधनों का किस प्रकार से साझा उपयोग करें जिससे कि बेहतर आउटकम निकल के आए। स्कूल क्लस्टर का उद्देश्य अधिक संसाधन दक्षता और क्लस्टर में स्कूल के अधिक प्रभावी कामकाज, समन्वय, नेतृत्व, शासन और प्रबंधन का, ये सारी चीजें वो पूरा क्लस्टर मैनेज करे जिससे कि उनकी प्लानिंग भी बेहतर हो और एक क्लस्टर में अगर एक विद्यालय में कोई संसाधन नहीं तो दूसरे विद्यालय से कैसे मैनेज किया जाए ये भी बहुत ही बेहतर तरीके से किया जा सकता है। कम चीजों में अच्छे आउटपुट को हम हासिल कर सकते हैं इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से। एक निजी और एक सार्वजनिक विद्यालय को भी परस्पर संबद्ध करने की बात कही गई है, दोनों के संसाधनों का भी एक दूसरे से यूज और दोनों की एक तरह से शिक्षकों का भी यूज, जिस जो भी मानव संसाधन है या इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको उपयोग करना और दोनों एक साथ मिलकर साझा प्रयास से शिक्षा को बेहतर तरीके से लोगों तक पहुंचे। बाल भवन की स्थापना की बात कही गई है जनपद में, जहाँ पर बच्चे गतिविधि करें वहां पर इकट्ठा हो, तो इसकी स्थापना की बात भी कही गई है। सभी को धन्यवाद। मुझे लगता है 10 मिनट में जो चीजें मुझे
बताई गई थी कहने के लिए, तो मैंने शायद प्रयास किया है एक छोटा सा, अगर कोई त्रुटि होगी तो उसके लिए मैं जरूर चाहूंगा कि एससीईआरटी से जो भी दिशा निर्देश प्राप्त हो तो उसको अपडेट करने का प्रयास करें। सभी को धन्यवाद। प्रदीप सर आवाज आ रही है मेरी? हेलो, थैंक यू जी। हाँ थैंक यू गुलशन जी, क्लियर आपका काफी, हाँ स्पष्ट रही आपकी जो इम्प्लीमेंटेशन की आपने जो बताई नीतियां और पॉलिसीज, थैंक यू वंस अगेन एक बार फिर से आपका धन्यवाद। नेक्स्ट प्रस्तुति श्रावस्ती डाइट की है। श्रावस्ती डाइट, श्रावस्ती डाइट से, हाँ श्रावस्ती डाइट से कौन पार्टिसिपेट कर रहे हैं? हेलो हेलो, सुन पा रहे हैं आप हमें जी? हेलो जी, मैं नरेंद्र यादव। हाँ हेलो, नमस्कार रेणु यादव जी, नमस्कार। हेलो, उनकी तरफ से आपकी आवाज नहीं आ रही है प्रॉपर। हेलो, आपकी आवाज प्रॉपर नहीं आ रही है, माइक अपना ठीक करिए। हेलो रेणु जी। हेलो, हाँ मुझे, हाँ आप मुझे सुन पा रही हैं? हाँ आप क्लियर आ रही है आपकी आवाज? हाँ शुरू कीजिए, आ रही है आवाज आपकी? ओके मैम, हम सुन पा रहे हैं। धन्यवाद मैम जी। मैम मैं प्रस्तुत कर रही हूँ जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डायट श्रावस्ती की तरफ से। मैं रेणु यादव, सब्जेक्ट बायोलॉजी। नई शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन प्रोग्राम से जुड़े समस्त विद्वत जनों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन कार्यक्रम में डायट श्रावस्ती की तरफ से मैं मुख्य रूप से तीन बिंदुओं पर सुझाव देना चाहूंगी। वो बिंदु हैं पूर्व प्राथमिक शिक्षा, स्कूल शिक्षा एवं शिक्षक शिक्षा। तो सबसे मैं पूर्व प्राथमिक शिक्षा पर सुझाव दूंगी। इसमें पहला बिंदु है कि 5 वर्ष की आयु से पहले प्रत्येक बच्चे प्रारंभिक कक्षा या बाल वाटिका में स्थानांतरित किया जाए, जिसमें सीखने को मुख्य रूप से खेल आधारित शिक्षा योग एवं प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा दिया जाए। तो जो पूर्व प्राथमिक शिक्षा है, क्योंकि बच्चा बहुत छोटा होता है तो उसको खेल के माध्यम से शिक्षा यानी बाल वाटिका, जहाँ पर बच्चा खेल कर सारी बातें सीख सकता है जो चीजें, वो अन्य गतिविधियों के माध्यम से थोड़ा कम सीखे। इसके लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति में यह परिकल्पना की गई है कि 5 वर्ष की आयु से पहले हर बच्चा एक प्रारंभिक कक्षा या बाल वाटिका में स्थानांतरित हो जाएगा, जिसमें एक योग्य शिक्षक होगा और जिसको सिखाने के लिए मुख्य रूप से खेल आधारित शिक्षा पर, जिसमें संज्ञानात्मक, भावनात्मक और शारीरिक क्षमताओं और प्रारंभिक साक्षरता और संख्या ज्ञान विकसित करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। दोपहर के भोजन कार्यक्रम को प्राथमिक विद्यालय के साथ साथ तैयारी कक्षाओं तक भी विस्तारित किया जाना चाहिए। स्वास्थ्य के विकास की निगरानी और जांच परीक्षण जो आंगनबाड़ी व्यवस्था में उपलब्ध है, उसे प्राथमिक स्कूलों की तैयारी कक्षाओं के छात्रों को भी उपलब्ध कराया जाए। अब दूसरा बिंदु है सतत आकलन एवं विशेष रूप से पिछड़े हुए बच्चों पर अत्यधिक ध्यान दिया जाए। सतत आकलन यानी कि लगातार मूल्यांकन किया जाए। कुछ बच्चे बहुत पिछड़े होते हैं, उनके उस पिछड़ेपन को दूर किया जाए। जैसे जैसा कि बच्चों के मस्तिष्क का 85% विकास 6 वर्ष की अवस्था से पूर्व ही हो जाता है, बच्चों के मस्तिष्क के उचित विकास और शारीरिक वृद्धि को सुनिश्चित करने के लिए उसके आरंभिक 6 वर्षों को महत्वपूर्ण माना जाता है। वर्तमान समय में विशेष रूप से सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि के करोड़ों बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा उपलब्ध नहीं, इसलिए देश के सभी बच्चों तक
सभी बच्चों को तक शैक्षिक प्रणाली में भाग लेने और तरक्की करने के समान अवसर मिलेंगे। समता स्थापित करने में सबसे शक्तिशाली माध्यम अगर प्राथमिक पूर्व प्राथमिक शिक्षा पर दिया जाए तो यह बहुत ही अच्छा होगा। प्रारंभिक बाल्यावस्था विकास देखभाल के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के सार्वभौमिक प्रावधान को जल्द से जल्द निश्चय ही वर्ष 2023 से उपलब्ध किया जाना चाहिए, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि पहली कक्षा में प्रवेश पाने वाले सभी बच्चे स्कूली शिक्षा के लिए पूरी तरह से तैयार हों। अगली बात आती है आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए ऐसी विधा का आयोजन किया जाए जिससे आंगनबाड़ी केंद्रों की रोचकता बनी रहे एवं बच्चों का ठहराव सुनिश्चित किया जा सके। इसके लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा की सार्वभौमिक पहुंच के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों को उच्चतर गुणवत्ता के बुनियादी ढांचे, खेलने के उपकरण और पूर्ण रूप से प्रशिक्षित आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं शिक्षकों के साथ साथ सशक्त बनाया जाएगा। प्रत्येक आंगनबाड़ी में समृद्ध शिक्षा के वातावरण के साथ अच्छी तरह से डिजाइन किया हुआ हवादार बाल सुलभ और निर्भीक भवन होगा। आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चे गतिविधि से भरे पर्यटन करेंगे और अपने स्थानीय प्राथमिक स्कूलों के शिक्षकों और छात्रों से मिलेंगे, ताकि आंगनबाड़ी केंद्रों से प्राथमिक स्कूल में संक्रमण को सुचारू बनाया जा सके। आंगनबाड़ी को स्कूल परिसरों में पूरी तरह से एकीकृत किया जाए और आंगनबाड़ी बच्चों माता पिता और शिक्षकों को स्कूल के विभिन्न कार्यक्रमों में परस्पर भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाए। इसके साथ ही साथ पूर्व प्राथमिक स्तर पे पूर्व प्राथमिक स्तर की जो शिक्षा हो पूरी तरह लचीली हो, बहुआयामी बहुस्तरीय खेल आधारित गतिविधि आधारित और खोज आधारित शिक्षा को शामिल किया जाए, जैसे अक्षर भाषा संख्या गिनती रंग आकार इंडोर आउटडोर खेल पहेलियां और तार्किक सोच समस्या सुलझाने की कला चित्रकला पेंटिंग अन्य दृश्य कला शिल्प नाटक कठपुतली संगीत तथा अन्य गतिविधियों को शामिल करते हुए इसके साथ अन्य कार्य जैसे सामाजिक कार्य मानवीय संवेदना अच्छी व्यवहार शिष्टाचार नैतिकता व्यक्तिगत और सार्वजनिक स्वच्छता समूह में कार्य करना और आपसी सहयोग को विकसित करने पर भी ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। अब बात आती है स्कूल शिक्षा पर। स्कूल शिक्षा में समग्र शिक्षा अभियान के तहत कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की शिक्षा को अनिवार्य एवं निःशुल्क किया जाए, जिससे नई शिक्षा नीति के संकल्प को साकार किया जा सके। कक्षा 5 तक की शिक्षा मातृभाषा में दी जाए, जिससे बच्चे आसानी से सीख सके। अगर बच्चा मातृभाषा में उसको सिखाया जाए तो वो बहुत आसानी से कोई सीख लेगा और काफी टाइम तक उसको उस ज्ञान का जो है अस्थायित्व बना रहेगा। सभी स्तरों पर आचार और शिक्षा विधि का समग्र केंद्र बिंदु वास्तविक समझ और ज्ञान की ओर ले जाने वाला तंत्र विकसित किया जाए। कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के पाठ्यक्रम को लचीला और समझ आधारित विकसित किया जाना चाहिए। बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान को प्राथमिकता दिया जाए, जिससे सभी बच्चे कक्षा 3 तक साक्षरता एवं संख्या ज्ञान जैसे सीखने के मूलभूत कौशलों को हासिल कर सके। अगली बात, कक्षा 6 से कक्षा 8 तक के बच्चों को व्यवहारिक शिक्षा जैसे बढ़ेगिरी बिजली का काम धातु का काम कृषि कार्य और लड़कियों के लिए खासकर कृषिशिल्प जैसे कताई बुनाई और फैशन डिजाइनिंग आदि कार्यों में उनको सिखाने के लिए कुशल प्रशिक्षक की सहायता ले जानी चाहिए, ताकि अगर फ्यूचर में पढ़ाई अगर बंद हो जाती है तो इन चीजों को सीख कर वो अपना स्वरोजगार कर सके। कक्षा 10 से कक्षा 12 के विद्यार्थियों को व्यावसायिक पाठ्यक्रम से संबंधित 6 महीने का प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित कर कुशल प्रशिक्षकों द्वारा प्रशिक्षण दिया जाए। कक्षा 9 से 12 तक के पाठ्यक्रम में भारत के लोकतांत्रिक एवं संवैधानिक व्यवस्था को समर्थित किया जाए, ताकि बच्चा अपने कर्तव्यों एवं अधिकारों को आसानी से सीख सके और उसका फ्यूचर में अप्लाई कर सके अपने दैनिक जीवन में। शिक्षा में तकनीकी की प्रयोग हेतु समय समय पर शिक्षकों को प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाकर प्रशिक्षित किया जाए। अनुसरणकर्ता के रूप में गाइड मेंटर के रोल को व्यापकता प्रदान की जाए। हिंदी गणित अंग्रेजी विज्ञान के शिक्षकों को SCERT द्वारा मॉड्यूल विकसित कर जिसमें अवधारणा समझ
करके सीखना पद्धति को शामिल किया जाए। करके सीखना यानी लर्निंग बाय डूइंग बहुत ही जरूरी है, ये प्रत्येक सब्जेक्ट में अप्लाई किया जाए तो बहुत ही अच्छा ज्ञान हो जाता है। कक्षा एक से कक्षा बारह तक के हिंदी गणित अंग्रेजी विज्ञान के विषय विशेषक शिक्षकों के लिए विशेष प्रशिक्षण आयोजित किया जाए। कक्षा एक से कक्षा बारह तक के शिक्षकों से एक्टिविटी कार्ड फ्लैश कार्ड आईसीटी आधारित प्रतियोगिता कराई जाए। छात्र एवं शिक्षक अनुपात जो 30:1 है एवं बच्चों का ठहराव सुनिश्चित करने के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षण द्वारा अभिभावकों का विश्वास सरकारी संस्थानों पर फिर से सुनिश्चित किया जाए। अगर इन सारी बातों का जो है हम लोग नई शिक्षा नीति में लागू करने पर कोशिश करें तो शायद हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें काफी परिवर्तन आएगा। अब हम बात करते हैं शिक्षा की, क्योंकि शिक्षक वास्तव में बच्चों के भविष्य को आकार देते हैं, अतः हमारे राष्ट्र के भविष्य का भी निर्माण करते हैं। इस नेक योगदान के कारण कि भारत में शिक्षक समाज के सबसे ज्यादा सामान्य सदस्य थे और सिर्फ सबसे अच्छे और विद्वान ही शिक्षक बनते थे। विद्यार्थियों को निर्धारित ज्ञान कौशल और नैतिक मूल्य प्रदान करने के लिए समाज शिक्षक या गुरुओं को उनकी जरूरत की सभी चीजें प्रदान करता था। अध्यापक शिक्षा की गुणवत्ता भर्ती पदास्थापन सेवा शर्तें और शिक्षकों के अधिकारों की स्थिति वैसी नहीं है जैसी होनी चाहिए और इसके परिणाम स्वरूप शिक्षकों की गुणवत्ता और उत्साह वांछित मानकों का प्राप्त नहीं कर पाता है। शिक्षकों के लिए उच्चतर दर्जा और उनके प्रति आदर और सम्मान के भाव को पुनर्जीवित करना होगा ताकि शिक्षण व्यवसाय में बेहतर लोगों को शामिल करने हेतु उन्हें प्रेरित किया जा सके। हमारे छात्रों और हमारे राष्ट्र के लिए सर्वोत्तम भविष्य सुनिश्चित करने के लिए शिक्षकों की प्रेरणा और सशक्तिकरण की आवश्यकता है। तो शिक्षा के लिए कुछ बिंदु है, जैसे एससीईआरटी द्वारा ऑनलाइन ऑफलाइन प्रशिक्षण प्रोग्राम चलाया जाए जिससे शिक्षकों की गुणवत्ता और पढ़ाई जानी जाए। शिक्षण विधियों में आधुनिकता को संदेश दिया जाए। समग्र शिक्षा के तहत डायट में डीएलएड की कक्षाओं के साथ बीएड की भी कक्षाओं का संचालन किया जाना चाहिए। शिक्षक का कार्य प्रभावशाली ढंग से शिक्षण कार्य करना है जो छात्र छात्राओं के सीखने में प्रभावी हो, ऐसे शिक्षक को पुरस्कृत भी किया जाना चाहिए। डायट में जो प्रवक्ता नियुक्त है उनको समय समय पर पूर्व प्राथमिक विद्यालय व उच्च प्राथमिक के साथ हाई स्कूल व इंटरमीडिएट स्कूलों का अनुसरण का कार्य दिया जाना चाहिए जिससे स्कूलों की गुणवत्ता व शिक्षण विधियों को प्रभावी बनाने में अपना योगदान दे सके। नियमित शिक्षकों को समय समय पर शैक्षणिक पीपीटी वीडियो तैयार कर एससीईआरटी को प्रेषित किया जाए। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले शिक्षकों को पुरस्कृत किया जाए। सारे क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों के माता पिता अधिक शिक्षित नहीं होते हैं। शिक्षकों को बच्चों के भविष्य के बारे में माता पिता से चर्चा कर सही पथ प्रदर्शक के रूप में कार्य करना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षकों की कमी को पूरा किया जाए। जो शिक्षक ग्रामीण क्षेत्र में कार्यरत हैं उनको आवास व वेतन भत्ता भी शहर की तुलना में ग्रामीण शिक्षकों को भी दिया जाना चाहिए और इसके साथ जो छात्र छात्राएं स्कूल नहीं आते हैं उनके कार्य को जानकर निवारण करना चाहिए। शिक्षक होने के नाते छात्र छात्राओं में भेदभाव समाप्त कर एक सुरक्षित समावेशी और प्रभावी शिक्षण वातावरण का विकास करना चाहिए। डायट में प्रत्येक माह में एक दिन एआरपी तथा एसआरजी की मीटिंग शिक्षकों को शिक्षा से अलग कार्य ना दिया जाए, उसे शिक्षा से संबंधित कार्य ही दिया जाए जिससे वह बेहतर व प्रभावी सीखने और सिखाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे। ये बेसिक विभाग की बहुत बड़ी समस्या है कि वहां पर मैक्सिमम कार्य शिक्षकों से ही कराया जाता है जिससे वे अपना पूरा योगदान शिक्षण कार्य में नहीं दे पाते हैं। योग्यता के आधार पर शिक्षकों की वर्टिकल मोबिलिटी भी सर्वश्रेष्ठ होगी। उत्कृष्ट शिक्षक जिन्हें लीडरशिप हुआ मैनेजमेंट के कौशलों को दर्शाया होगा उसको समय समय पर प्रशिक्षित किया जाए जो आगे चलकर बीआरसी सीआरसी डायट के साथ साथ संबंधित विभाग को नेतृत्व कर सके। शिक्षकों का समय पर क्षमता संवर्धन कार्यक्रम का आयोजन किया जाए जिससे सभी शिक्षक नवाचारों से परिचित हो सके। इस तरह से हमारा जो एक प्रस्तुतिकरण था समाप्त हुआ और सभी विद्वत्जनों के द्वारा सुनने एवं जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो, थैंक यू मैम। हेलो,
थैंक यू मैम, थैंक यू मैम, आपने अब्रप्टली खत्म कर दिया, आपका अभी बचा हुआ था थोड़ा। अच्छा हाँ, तो इफ यू वांट टू, अगर करना चाहे तो उसे प्रोसीड कर सकते हैं आप प्रेजेंटेशन, इफ यू वांट टू, अगर चाहे आप तो उसे प्रोसीड कर दीजिए, क्योंकि इनकम्प्लीट आपने छोड़ दिया। जी मैम, ओके प्लीज गो ऑन। ओके मैम, जैसा कि हमारी ना न्यू शिक्षा नीति में 2020 में जो 10 प्लस 2 की शिक्षा नीति वर्तमान में चल रही है, उसकी जगह 5 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 4 को अप्लाई किया गया है। उसमें जो 6 7 और 8 क्लास में जो है विशेष रूप से जो है व्यावसायिक शिक्षा हम अप्लाई कर सकते हैं, जैसे बच्चियों के लिए विशेषकर हम गृह शिल्प में सिलाई बुनाई कटाई और उसके साथ ही फैशन डिजाइनिंग और खाना बनाने से संबंधित वर्क उनसे जो है उनको सिखाकर, अगर वो बीच में पढ़ाई फ्यूचर में छोड़ भी दें तो अगर ये सीख लेंगे तो वो इसके माध्यम से अपने अपना रोजगार स्वनिर्मित कर सकेंगे। इसके साथ साथ बच्चों के लिए बॉयज के लिए अगर उनको कृषि से संबंधित काम, जैसे किस मौसम में कौन सा फसल बोया जाए, उसमें कौन सी सीड डाली जाए, उसके लिए कौन सा उर्वरक सही होगा, कीटनाशक दवाएं सही होंगी, अगर इन सब चीजों का नॉलेज है, फ्यूचर में अगर वो पढ़ाई अपनी बंद भी कर दें तो इस कृषि से संबंधित जानकारी को वो अपने दैनिक जीवन में यूज करके वो अच्छा अच्छा कार्य कर सकते हैं। जैसा इसमें लिखा है, पॉइंट्स भी कुछ दिए हैं व्यवसाय शिक्षा से रिलेटिंग, पेशेवरों को तैयार करने के लिए पाठ्यक्रम में नैतिकता व सार्वजनिक उद्देश्य का समावेश हो व इसके साथ ही साथ उस विषय विशेष की शिक्षा व व्यवहारिक अभ्यास की भी शिक्षा अनिवार्य रूप से शामिल की जाए। अगली बात है कृषि शिक्षा, इससे संबंधित विषय को पुनर्जीवित किया जाए, मतलब कृषि शिक्षा विशेष रूप से बच्चों को दी जानी चाहिए ताकि वो अपना स्वरोजगार खुद कर सके। व्यवसायिक शिक्षा की प्रभावी क्रियान्वयन हेतु शिक्षा में स्वास्थ्य शिक्षा को अनिवार्य रूप से शामिल किया जाए, क्योंकि स्वास्थ्य शिक्षा अगर दी जाएगी तो वो खुद का भी अपने जीवन में जो भी समस्याएं आएंगी उसका सोल्यूशन तो खुद ढूंढेंगे ही ढूंढेंगे और उनके साथ जुड़े अन्य लोगों की भी समस्या को दूर कर सकते हैं। अगली बात है तकनीकी शिक्षा में डिग्री और डिप्लोमा कार्यक्रम यथा जैसे इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी प्रबंधन, वास्तुकला, होटल प्रबंधन आदि के समग्र विकास हेतु योग्य शिक्षकों व्यक्तियों की मांग या कमी को शीघ्र पूरा करना होगा। तकनीकी शिक्षा अगर शुरू से ही जैसे 6 क्लास से स्टार्ट की कर दी जाए तो आज का जो जमाना है वो बिल्कुल टेक्नोलॉजी वाला ही है, तो वो अच्छे से शुरुआती स्तर से सीखेंगे तो उनका नॉलेज और अच्छा हो जाएगा और इसके लिए योग्य शिक्षकों की भी जरूरत है। तो इस तरीके से हमारा ये समाप्त हुआ। थैंक यू मैम। तो थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस वेबिनार में जुड़े हुए सभी प्रतिभागियों को, प्रशिक्षुओं को बहुत बहुत धन्यवाद। आज का ये वेबिनार आज यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर 2:30 पे दूसरे जनपदों का प्रेजेंटेशन होना है जिसमें हमीरपुर, चित्रकूट, बाड़ा महोबा का प्रेजेंटेशन होगा। तब तक के लिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार सर जी। नमस्कार सर, धन्यवाद आप सभी को।